गंजेड़ियों के मंसूबों पर झाझा प्रशासन ने फेरा पानी। जी हाँ नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं हूँ वीरेंद्र कुमार। धमना से लगभग 1 किलो गांजा दुकान से बरामद करते हुए तस्कर को झाझा पुलिस ने गिरफ्तार किया। जिस प्रकार आप देख पा रहे हैं तस्करों पर पुलिस की पिछले बार मैंने खबर लगाई थी हमेशा टेढ़ी नज़र है। अभी भी तस्करों के पास वक्त है कि तस्करी छोड़िए और मुख्य धारा से जुड़िए, मेहनत मजदूरी करिए, क्योंकि जिस प्रकार से तस्करों के खिलाफ जमुई पुलिस ने झाझा SDPO राजेश कुमार ने मुहिम छेड़ रखा है, मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार का कोई तस्कर पुलिस प्रशासन की नज़रों से बच पाएगा। देखिएगा हमारी खास रिपोर्ट। SDPO झाझा अमर से जुड़े राजेश कुमार, सर क्या कुछ सफलताएं मिल रही हैं? देखिए, दिनांक 4/8/24 को पुलिस अधीक्षक महोदय जमुई को गुप्त सूचना मिला कि झाझा थाना अंतर्गत धमना बाजार में मूसो गोस्वामी स्वर्गीय किशुन गोस्वामी धमना थाना झाझा जिला जमुई अपनी किराना दुकान एवं घर में अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा रखकर खरीद एवं बिक्री कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय जमुई के निर्देशानुसार मेरे नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। तत्पश्चात छापामारी टीम के साथ धमना बाजार पहुंचकर सूचना अनुसार मूसो गोस्वामी की दुकान का विधिवत तलाशी एवं नियमों का पालन करते हुए तलाशी लेने पर दुकान से अवैध मादक पदार्थ गांजा 950 ग्राम बरामद, गांजा पीने वाला चिलम 94 पीस एवं 750 ml देशी शराब बरामद हुआ। बरामदगी के पश्चात मूसो गोस्वामी पिता स्वर्गीय किशन गोस्वामी धमना थाना झाझा जिला जम्मू को विधिवत गिरफ्तार कर थाना लाया गया तथा इस कारोबार में शामिल अन्य सहयोगी के विरुद्ध जांच एवं छापामारी जारी है। टीम में शामिल पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी श्री संजय कुमार पूनी सर थानाध्यक्ष झाझा, श्री निशा कुमारी अंचला अधिकारी झाझा, श्री कौशलेंद्र कुमार पूनी झाझा थाना, श्री संजय कुमार यादव पूनी झाझा थाना, श्री कुंज बिहारी कुमार पुवानी झाझा थाना, श्री नंदन कुमार पुवानी झाझा थाना, श्री पूजा कुमारी परी पुवानी झाझा थाना, झाझा के QRT टीम, झाझा थाना सशस्त्र बल एवं जिला सूचना इकाई। सर जिस तरह आपने तमाम जो मादक पदार्थों के खिलाफ जो एक तरह से अभियान छेड़ रखा है, कहीं ना कहीं उसका परिणाम मिल रहा है। तो देखिए, चंदमंडी में भी हमने पकड़ा था काफ़ी 7 से 8 किलो। उसी में क्या है कि उसे सूचना से हमें मिला और कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स मिले थे जिसके ऊपर हम लोगों ने काम किया। अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले सोनू में भी हमने कार्रवाई की थी, वहाँ पर भी सूचना मिला, पूछताछ में इनका नाम भी आया था तो वहाँ पर हमने छापामारी की। इनसे भी पूछताछ के दौरान 2-4 और लोगों का भी नाम आया है, वहाँ पर भी हमने छापामारी करी। तो कहीं ना कहीं लगता है कि जो भी मादक पदार्थ के तस्कर है उनकी कमर टूटेगी। बिल्कुल। और कोई संलिप्तता सर इनका? इनका देखिए, और अभी जांच हो रहा है। की